hello students well i'm here to start your vocabulary session well if you see noun pronoun etc are considered as the part of language well it is not for example a child speaks their native language fluently even if they have not started going school well rules are always indicating toward language they are not language and what language mean is learn read write

so we are going to split the word add plus मट okay ठीक है अब हम ad ko को bhi भी करते हैं और ki की तरह भी karte करते हैं लेकिन यहाँ पे kaise pronounce कैसे होगा? ed होगा tarah sorry की तरह सॉरी एड की तरह ना कि ई की तरह ओके okay? तो इसका मतलब क्या होता है जिद्दी रिफ्यूजिंग टू बी परशुएडेड और टू चेंज वंस माइंड सेंटेंस क्या है द डॉक्टर्स हैड बीन एप्सोल्यूटली एडमेंट दैट शी वॉज एन गोइंग टू गेट एनी बेटर ओके ठीक है यहाँ पे डॉक्टर्स ने अपना ओपिनियन बना लिया हुआ है कि उनके दिमाग में ये फिक्स हो चुका है कि ये और अब बेटर नहीं हो सकती है तो आपको पता है आपको क्या करना है आपको पहले प्रनाउंस फिर सेंटेंस मेरे बाद बोलना है एंड फिर उसके बाद में कॉपी में नोट करना है ठीक है तभी आप वो कैब को ज़्यादा देर तक याद रख सकते हैं ठीक है अब किसी भी चीज़ के लिए प्रिपेयर करो चाहे आयल्स यहाँ पे जी आर ई यू पी एस सी एस एस सी जिस चीज़ के लिए भी आपका मकसद है वो कैबलरी और सेंटेंस मेकिंग आपको दोनों आनी चाहिए तो मैं सोच रही हूँ कि आपको वो कैबलरी के, के साथ साथ ग्रामर भी अब करा दूँ तो चलिए अब देखते हैं इसकी प्रोनाशिएशन क्या है ऐड प्लस मंट ओके इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है ऐड आप प्रनाउंस करें वेरी गुड मीनिंग क्या है रिफ्यूजिंग टू बी और टू चेंज वंस माइंड या फिर आप कह सकते हैं ओपिनियटि या फिर जिद्दी ओके okay? जिसका माइंड नहीं चेंज किया जा सकता सेंटेंस क्या है द डॉक्टर्स हैड बीन एप्सोल्यूटली एडमेंट दैट शी वॉज एट गोइंग टू गेट बेटर आप प्रनाउंस करें या yeah. अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं ये सेक्रेटरी क्या बोल रहा है इस इंसान को सर द एडमिन सेलमैन इज हियर अगेन ओके यहाँ पे साइनोनिम क्या है इम्प्लैकेबल इनकनवेंसेबल इनफ्लेक्सिबल इन ट्रांजेंट मुलिश ऑबड्यूरेट ऑब्स्टिनेट एंड ऑपिनेटेड ठीक है तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है ये है एडवर्स ठीक है यहाँ पे ए डी कैसे प्रोनाउंस होगा एजुकेशन वाला एड की तरह ठीक है एडवर्स ओके इसका मतलब क्या होता है अनफेवरेबल ठीक है या फिर अनफ्रेंडली ठीक है यहाँ पे जैसे रिक्वेस्ट को डिनाय हो जाना ये उस इंसान की क्या फेवर में कंडीशन आए नहीं ये उसके अपोजिशन में फेवर एडवर्स uh, में स्टेटमेंट uh, आया ठीक है फॉर एग्जांपल हम स्टेटमेंट में कैसे यूज़ करेंगे इसे डिजीज आर एडवर्स टू बेस्ट ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रेन ठीक है अब इसे हम प्रनाउंस करेंगे एड प्लस वर्स ठीक है प्रोनाउंस करें मीनिंग क्या है इसका अनफेवरेबल सेंटेंस में डर्ट एंड डिजीज आर एडवर्स टू बेस्ट ग्रोथ ऑफ दी चिल्ड्रेन साइनोनियम क्या है इसके काउंटर डिसएडवाटेज हॉस्टाइल इनिमिशियल नेगेटिव प्रीजिशियल अनफेवरेबल अन फ्रेंडली अनसिम्पेटिटिक अन टूवर्ड्स तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा आफ्टर मैथ ठीक है हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है आफ्टर मैथ इसकी प्रोनाउंसिएशन तो काफ़ी ईजी होगी आपके लिए आफ्टर प्लस मैथ ठीक है इसका मतलब क्या होता है किसी भी इवेंट के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उस चीज को हम क्या बोलते हैं आफ्टर मैथ ठीक है फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो विंड आया है स्टॉन्ग या फॉर एग्जांपल सुनामी या किसी भी वजह से किसी भी इवेंट के बाद जो इनके घर के सामने जो क्रैश हुए हैं या नुकसान हुआ हुआ है इसको हम क्या कहते हैं आफ्टर मैथ फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये पिक्चर देख ही सकते हैं इसका मीनिंग क्या है द कंसिक्वेंसिस और द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ ए सिग्निफिकेंट अनप्लीजेंट इवेंट फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि कोरोना के बाद इकोनॉमिक क्राइसिस फूड क्राइसिस लोकस क्राइसिस ये सारे क्या हैं आफ्टर मैथ लोकस क्राइसिस को हम नहीं कंसीडर कर सकते आफ्टर मैथ ऑफ करोना लेकिन फिर भी बाकी को तो हम कंसीडर कर ही सकते हैं ना, ठीक है अब इसके साइनोनियम्स क्या क्या हो सकते हैं आफ्टर इफेक्ट बैकवाश कॉरिरी डेवलपमेंट इफेक्ट फेट फ्रूट इश्यू आउटकम आउटग्रोथ एंड परसिपिटेड सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे हम रिसेशन इन द कंट्री हैज रन इट्स कोर्स एंड लेफ्ट एंड आफ्टर मैथ ऑफ द अनसर्टेनिटी ठीक है क्या है कि कंट्री में जो रिसर्चन आ गए हैं वो अनसर्टनिटी कि अब कुछ भी हो सकता है उसके आफ्टर मैथ का अफेक्ट है ठीक है तो चलिए देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम्पल ठीक है इसको हम प्रनाउंस कैसे करेंगे एम प्लस पल ठीक है एम्पल ठीक है इसका मतलब होता है इनफ या बहुत ज़्यादा फॉर एग्जाम्पल आप ये इमेज में अगर आप देखें इसमें बीड्स कितने ज़्यादा पड़े हुए हैं तो ये एम्पल ऑफ बीट्स हैं ठीक है थीके? इसका मीनिंग क्या होता है इनफ और मोर देन इनफ और प्लेंटीफुल ठीक है सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे स्मॉल पीस ऑफ केक विल बी एम्पल ठीक है थैंक यू अब आप प्रनाउंस करें एम्पल प्रनाउंस करें वेरी गुड सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा स्मॉल पीस ऑफ केक विल बी एम्पल थैंक यू इसके साइनोनीय क्या हो सकते हैं एबेंडेंट एपलेंटी बाउंटियस बाउंटीफुल कंफर्टेबल एंड कॉनूकोपियन एंड गलोर ठीक है Abundant, aplenty, and and ये सब क्या है इसके साइनोनियम्स ठीक है सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे स्मॉल पीस ऑफ केक विल बी एम्पल थैंक यू ठीक है एम्पल का इमेज क्या होता है इनफ और मोर देन इनफ और प्लेंटीफुल ठीक है चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंटीरियर ओके यहाँ पर लास्ट में जो आर है इसको प्रोनाउंस नहीं करना है ठीक है इसको हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे एन प्लस टी प्लस रियर एंटीरियर ठीक है प्रोनाउंस कैसे करेंगे एन टी रियर मीनिंग क्या होता है इसका फ्रंट ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉडी स्पेशली बायोलॉजिकल टर्म है देखिए बॉडी uh, के जो फ्रंट पार्ट को हम क्या बोलेंगे एंटीरियर ठीक है और इसके बैक पार्ट को हम क्या बोलेंगे ये आपका बोनस वर्ड हो गया ये क्या हो गया पोस्टीरियर ओके okay? इसमें र प्रनाउंस नहीं करना है ठीक है ये चीज़ प्रनाउंस नहीं करना है ठीक है तो ये वर्ड क्या है एंटीरियर ओके okay? इसका मतलब क्या होता है नियरअर द फ्रंट स्पेशली इन द फ्रंट ऑफ द बॉडी और नियर द हेड और फोर पार्ट ठीक है इसका साइनोनिम क्या हो गया फोर फॉरवर्ड फ्रंट फ्रंटल और फ्रंटवर्ड। ठीक है सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे एन इंटीरियर रूम वॉज बिल्ड टू प्रोवाइड द अटमोस्ट प्राइवेसी फॉर यंग स्कॉलर्स ओके सेंटेंस में आप बोलें वेरी गुड एंड इसको प्रनाउंस करें वेरी वेरी गुड ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड नेक्स्ट वर्ड है हमारा अपैरल ओके नेक्स्ट वर्ड है हमारा अपैरल इसको प्रनाउंस कैसे करेंगे अ प्लस पैरल ओके इसका मतलब क्या होता है क्लोथिंग या फिर टू पुट क्लोथ्स ऑन समवन, ठीक है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप स्पोर्ट्स सेक्शन के क्लोथ्स देख ही सकते हैं सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे वी सेल अ फुल रेंज ऑफ स्पोर्ट्स अपैरल ठीक है साइनोनिम्स क्या होते हैं इसके अटायर एंड क्लोबर, ठीक है प्रनाउंस करें पैरल ओके क्लोथिंग और इसका मतलब क्या है टू पुट क्लोथ्स ऑन सेंटेंस बोलें साइनोनिम क्या है इसके अटायर एंड क्लोबर तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है नेक्स्ट वर्ड है हमारा केन okay. ओके अब इसमें क्या है आर नहीं प्रनाउंस करना है ठीक है इसको प्रनाउंस कैसे करेंगे आ प्लस के ओके आके ठीक है इसमें आर का प्रोनाउंसिएशन अपने आप ही आ जाएगा आ ओके okay. इसको आर केन नहीं प्रोनाउंस करें इससे प्रोनाउंस क्या करना है आकेन इसका मतलब क्या होता है सीक्रेट ठीक है जो बहुत ज़्यादा टफ हो किसी को भी अंडरस्टैंड करने में हो मिस्टीरियस फॉर एग्जाम्पल एलुमिनाटी की आप इमेज देख लें इसके तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं ठीक है सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे दस रेसिडेंट इंटेलेक्चुअल स्पीक्स एंड आकेन लैंग्वेज डिजाइन टू इन्हेंस इज ओन पावर ठीक है आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल और याद कर सकते हैं आकेन को कि चाइना इंग्लिश को उतना ज़्यादा प्रमोट नहीं करता वो अपने हर एक ऐप अपनी हर एक चीज़ में हमेशा चाइनीज़ चीज़ रखता है मतलब अपनी लैंग्वेज को कंसीडर कर सकता है और चाइनीज़ कैरेक्टर्स इतना इजी नहीं होते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए और याद रखने के लिए ठीक है तो चाइनीस वर्जन को इतना आसान नहीं तो हम उस लैंग्वेज को क्या बोल सकते हैं अ लैंग्वेज जो इतना आसान नहीं हो समझना उसे हम क्या कहते हैं अ ठीक है अकेन, जो सीक्रेट हो मिस्टीरियस हो उसे हम क्या बोलते हैं आ सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे द रेसि इंटेलेक्चुअल स्पीक्स एंड आ लैंग्वेज डिजाइन टू इन्हेंस हिज ओन पावर आप बोले वेरी गुड प्रनाउंस करें आ प्लस केन ओके okay? साइनोनियम्स क्या हैं इसके एप्स्ट्रीज डीप स्टोरिक एंड हर्मेटिक ओके okay? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैनन ओके नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है कैनन इसको हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे कैन प्लस अन ओके इसे कैनन नहीं प्रोनाउंस करेंगे मतलब ऑन नहीं प्रोनाउंस करेंगे ठीक है कैन प्लस अन मीनिंग क्या है इसका प्रिंसिपल स्टैंडर्ड और जनरल रूल या फिर आप इसे लॉ भी कंसिडर कर सकते हैं ठीक है कोई पर्टिकुलर लॉ किसी प्रोसीजर का प्रोटोकॉल का तो उसे हम क्या कहते हैं कैनन ठीक है सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे द अपॉइंटमेंट वॉलेटेड द कैन ऑफ फेयर प्ले एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी ठीक है अब हम उसके साइनोनियम्स को देखें डॉक्ट्राइन चेकलिस्ट ठीक है एग्जाम्पल इसका क्या है आप देख सकते हैं लॉ ठीक है याद कैसे रखेंगे इसे लॉ की तरह प्रनाउंस कैसे करेंगे कैन अन मीनिंग क्या है इसका प्रिंसिपल स्टैंडर्ड और जनरल रूल सेंटेंस क्या है द अपॉइंटमेंट वायलेटेड द कैन ऑफ द फेयर प्ले एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी साइनोनम क्या है इसके डॉक्ट्राइन एंड चेकलिस्ट ठीक है चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेट्री मेंटल ओके नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है डेटरी मेंटल इसका कैसे करेंगे डे ट्री प्लस मैंट प्लस टल डेट्रीमेंटल ओके ये क्या होता है कि मतलब ये डेंजरस है ये हार्म है मैं, ए, मतलब इंजूरियस है ये मतलब क्या है ये मतलब डिसएडवाटेज एडवर्स है एक चीज़ का ये काफ़ी ज़्यादा आपके बैड लाइफ uh, के लिए हार्मफुल uh, हो सकता है तो इसे हम क्या बोलते हैं डेटरीमेंटल ठीक है Detrimental. यहाँ पे देख सकते हैं आप स्मोकिंग करती हुई लड़की के और इस बच्चे के लिए ये स्मोक क्या है मेंटल मतलब हार्मफुल है ठीक है इसे सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे शुगर इज पॉजिटिवली मेंटल टू द बॉडी बिल्डिंग ठीक है मतलब मीठा आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा खरा नुकसानदायक होता है साइनोनियम क्या है इसका एडवर्स बैड बेलफुल बेनफुल डैमेज और डेंजरस ठीक है प्रनाउंस करें डेट्री मैन और टल ओके टेंडिंग टू काउस हार्म मीनिंग क्या है इसका टेंडिंग टू काउस हार्म शुगर इज पॉजिटिवली डेट्रीमेंटल टू बॉडी बिल्डिंग अब आप बोले साइनोनियम क्या है इसका एडवर्स बैड बेलफुल बैनफुल डैमेजिंग और डेंजरस बोले वेरी गुड तो चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड क्या है ठीक है अब आप लोग इसे पढ़ेंगे डायलेक्ट ओके लेकिन इसे अगर पढ़ना है तो क्या से पढ़ेंगे डाई प्लस इलेक्ट ओके नॉट ऐसे कि ये ये वाला डाई नहीं है ओके और या फिर आप इसे ये ये वाला डाई भी नहीं बोल सकते इसे क्या कौन सा प्रोनाउंस करना है डाई मरने वाला डाई प्लस इलेक्ट ओके okay. इसका मतलब क्या होता है कि एक होती है हमारी लैंग्वेज और एक होती है हमारी बोली ठीक है मतलब डायलेक्ट हिंदी में से क्या बोलते हैं हम बोली अब आप देख सकते हैं कि अमेरिकन इंग्लिश होती है ठीक है एक ब्रिटिश इंग्लिश होती है और एक इंग्लिश इंडियन इंग्लिश होती है ठीक है उसी तरीके से इंग्लिश की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं बोलने के उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं लैंग्वेज सेम है लेकिन तरीका बहुत अलग है फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं हरियाणवी लोग हिंदी ही बोलेंगे ठीक है लेकिन उनकी हिंदी क्या है थोड़ी टफ़ होती है थोड़ी रूड होती है तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं हम डायलेक्ट ठीक है पंजाबी और डोगरी के बीच में आप डिफ़रेंस देख सकते हैं ठीक है उसी तरीके से पंजाबी और हिमाचली के बीच में जो डिफरेंस आ सकता है अब जो लैंग्वेज है वो तो उनमें तो वर्ड्स अलग हो जाएंगे लेकिन जो डायलेक्ट्स हैं वो वर्ड सेम है लेकिन उनके प्रनाउंसिएशन उनका वे ऑफ टॉक वो डिफरेंट हो जाता है ठीक है तो ये वर्ड का मतलब क्या होता है पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ लैंग्वेज विच इज़ पिक्युलर टू स्पेसिफिक रीजन और स्पोशल ग्रुप ठीक है जैसे इंग्लिश अमेरिका में डिफरेंट है ब्रिटेन में डिफरेंट है इंडिया में डिफरेंट है ठीक है सेंटेंस में कैसे बोलेंगे इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द लोकल डायलैक्ट ठीक है साइनोनेम क्या है इसके आगट कैंट जागन जाइव लैंग्वेज और लिंगो ठीक है साइनोनेम क्या है इसके आगर कैंट जागन जाइव लैंग्वेज और लिंगो मीनिंग क्या, क्या है इसका अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ लैंग्वेज विच इज़ अ पेक्यूलर टू स्पेसिफिक रीजन और सोशल ग्रुप सेंटेंस बोलें It was difficult to understand the local dialect. Okay. अब आप प्रनाउंस करें क्या इसे डाय प्लस लेट तो ये था आज का हमारा लास्ट वर्ड उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो अब से मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट वीक से हम ग्रामर भी डाल दें तो आपको हमारे चैनल के हर एक अपडेट लाइक करंट अफेयर वो कैबलरी जी एस के एक्सप्लनेशन कम्प्लीट एंशंट हिस्ट्री कम्प्लीट जियोग्राफी ये सारी टॉपिक्स आपको हमारी चैनल्स में मिल जाएंगे एक ही चैनल से जुड़े रहने के लिए इसी चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और प्लीज़ साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि आप हमारी कोई भी अपडेट्स कोई भी चीज़ को थोड़ा सा भी मिस नहीं कर सकें थैंक्स फॉर वॉचिंग